हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हमने टीआर जैन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेटेस्ट एडिशन से मैक्रो इकोनॉमिक्स चालू किया था, चैप्टर नंबर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, वहां पर हमने गुड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था, सारे गुड्स के टाइप हो गए थे। आज हमारा स्टार्ट होगा कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और इसको आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। प्लस जो बच्चे मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं अकाउंट सीखो बिजनेस की, वन टाइम फीस पर लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे मेरे को दे रखा है, वहाँ मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और अगर आप मेरा अदर चैनल फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए आपका नीचे लिंक होगा सेकेंड चैनल का, और नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर टू द एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट का मतलब टोटल जो हम प्लान कर रहे हैं। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता कौन है, ये हमने सीखा था सर, कंज्यूमर करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हु आर द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर कौन होता है। दीज आर ब्रॉडली क्लासीफाइड हाउस होल्ड हो सकती है, जैसे कि हम लोग, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई NPO फर्म हो सकती है जैसे टेम्पल है ना, गुरुद्वारा वगैरह, NGO वगैरह। हाउस होल्ड क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को ख़रीदते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर गुड्स को ख़रीदती है ताकि वो डिफेंस वगैरह में मिड डे मील प्रोग्राम जो चलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, यानी वो डायरेक्ट यूज़ नहीं करेगी, दूसरों में बांटने के लिए। ऐसे ही जो NGO वगैरह होते हैं वो भी सोसाइटी की हेल्प के लिए इनको ख़रीदते हैं। तो हम इफ़ वी एड अप एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड बाय द हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्राइवेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वी गेट एन एस्टीमेशन ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब मैंने बताया कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर में या कंज्यूमर ये तीन होते हैं, हाउस होल्ड होता है, गवर्नमेंट भी है और NPO। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इससे एक फॉर्मूला बना हमारा जो यहाँ पे दे भी रखा है आपकी बुक में, कि एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द NPO। अब यहाँ एक कंसेप्ट आया आपके लिए, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो भी आपकी कैपिटल है, कैपिटल कुछ भी हो सकता है, आपके पास आपके बिजनेस में जो पैसा है, आपके गोदाम में जो माल है, आपके बिजनेस में जो मशीन है, वो सब आपकी कैपिटल ही है, पूंजी है। इसमें जब भी इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब आपके पास 4 मशीन थी, एक साल बाद आपके पास 10 मशीन हो गई, तो आपका कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया, 6 मशीन का इन्वेस्टमेंट हो गया। साल की शुरुआत में आपके पास 40,000 का माल था, साल के एंड में आपके पास 80,000 का माल हो गया, तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 40,000 का। तो इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक डिफाइन भी दे रखी प्यारी सी, कि चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब हमारा जो कैपिटल है उसके स्टॉक में चेंज आता है, उसे हम कहते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो फॉर्म हो रही, बन रही है। तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट की एक और डिफाइन बनती है, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इकोनॉमी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है कैपिटल गुड्स का अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। एज नोट अर्लियर, दीज गुड्स मे बी यूज्ड एदर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग और एडिंग। इसका मतलब आगे हम समझेंगे कि क्या होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट यूज करे जाते हैं। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट दो कंपोनेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि जो आपके बिजनेस की फिक्स एसेट्स है लाइक प्लांट एंड मशीनरी, इनमें जब भी इंक्रीजमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट को कहेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट। यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है, अगर साल 2020 के शुरुआत में प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन का स्टॉक था और साल के एंड में 10 मशीन हो गई, तो अब उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इस साल, 2 हुआ, ठीक है ना। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट को अब हम यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। दिस इम्प्लाइज इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट, ये बताता है कि हमारी जो स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीजमेंट आ रहा है वो इंक्रीजमेंट है फिक्स एसेट्स के हिसाब से, जो हम बिजनेस में बार बार यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ इंपोर्टेंस आई हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट की। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला, फिक्स इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। फिक्स इन्वेस्टमेंट से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है प्रोड्यूसर की वो बढ़ जाती है। पहले 4 मशीन काम कर रही थी, अब 6 मशीन काम करेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जब ज़्यादा फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा मशीन होंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा आउटपुट आएगा। हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉपरली नोन एज GDP ग्रोथ। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उतना ज़्यादा GDP बढ़ेगा। अब बात करी जाए दूसरे इन्वेस्टमेंट की, जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर के पास 3 चीज़ होती हैं। एक होता है फिनिश गुड्स, यानी कि वो सामान जो बन के तैयार हैं। एक होता है सेमी फिनिश गुड्स, जो आधा बन चुका है। और एक होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इन तीनों में जब भी इंक्रीजमेंट होता है उस इंक्रीजमेंट को कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इन तीनों को कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। क्लियर है? यस सर। तो अब इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं, इंपोर्टेंस। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो दो तरीके में किया जाएगा, या तो रॉ मटेरियल में किया जाएगा या फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल और फिनिश गुड्स यानी बना बनाया। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जरूरी है, क्यों? इट एंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको जितना कच्चा माल चाहिए उसमें कोई रुकावट नहीं हो, इसलिए रॉ मटेरियल चाहिए। With enough stock of raw material, the producer can avoid day-to-day purchase from the market. Accordingly, uncertainty of the market are avoided. अगर producer के पास stock of raw material अच्छा खासा है तो उसे बार बार daily to daily raw material नहीं खरीदना पड़ेगा, और daily to daily जो raw material की price fluctuate होती है, घटती बढ़ती है, उस परेशानी से भी वो बचेगा। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट अनेबल द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर उसके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक अच्छा है, फिनिश गुड्स का अच्छा है, तो वो फ्यूचर में जितनी भी डिमांड हो उसको मीट कर सकता है। हेयर इट मे बी नोटेड डैट एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक एट ए टाइम मे नॉट बी द डिज़ायर इन्वेंट्री स्टॉक। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सोचा कि मैं इस साल 100 गुड्स का प्रोडक्शन करूँगा, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया है। अ प्रोड्यूसर मे हैव एक्सपेक्टेड टू सेल 1000 यूनिट ऑफ वॉशिंग मशीन। एक प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया कि वो 1000 यूनिट ऑफ वॉशिंग मशीन सेल करेगा, बट एक्चुअली ही सोल्ड सेल 500 यूनिट्स ओइंग टू द लैक ऑफ डिमांड। लेकिन डिमांड की कमी होने की वजह से 500 ही सेल कर पाया। तो इन सच ए केस 500 यूनिट ऑफ वॉशिंग मशीन आर एन अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक। तो ये जो 500 मशीन बच गई, ये इसके पास अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक है। सच अ स्टॉक लीड टू लॉसेस। ठीक, तो आपको अब डिज़ायर और अनडिज़ायर समझ में आ गया होगा। जो उसने फ्यूचर के लिए बनाया था वो डिज़ायर, और जो सेल ना हो पाया बच गया वो अनडिज़ायर। अब मैं जिसकी बात कर रहा था, जहाँ पीछे बात हुई थी हमारी रिप्लेसमेंट और एडिंग वाली, यहाँ हम समझेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ किस पर, कैपिटल गुड्स द्वारा। इसमें क्या इंक्लूड होता है,
कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक या कैपिटल गुड्स एज अ न्यू एडिशन। अब देखो आप मेरी बात को समझना कंसेप्ट वाइज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने जो खर्चा किया है वो दो चीज़ पर किया है, या तो हमने नई एसेट्स खरीदी या हमने पुरानी एसेट्स खरीदी। मुझे बताओ जब हम कोई पुरानी एसेट्स खरीदेंगे या पुरानी एसेट्स को सही करवाएंगे या किसी पुरानी को छोड़कर नई लाएंगे तो क्या पुरानी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है? यस सर, होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमेशा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ जो खर्चा किया जाता है वो किया जाता है हमारा न्यू मशीन्स पर, और न्यू मशीन पर कभी डेप लगा नहीं होता, इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट पर डेप इंक्लूड नहीं होता। आगे जब आप नेशनल इनकम करेंगे वहाँ ये बहुत काम आएगा। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को या फिर ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे तब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रॉस में डेप आता है नेट में नहीं, और जब नेट से ग्रॉस में जाएंगे तब हम डेप को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा दिया है, ठीक है ना? तो अब हम सिग्निफिकेंस और समझ लेते हैं ताकि अगली वीडियो में डेप से समझें। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन लगे हैं। सबसे पहला, इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट। यहाँ पे आप साफ साफ मैं बता दूँ, जो हमने पीछे मशीन्स जो हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट था उसी को नेट इन्वेस्टमेंट के आप कर सकते हैं फीचर, जो मैंने आप दिखाता हूँ ये वाले, ठीक है ना? फिर आपको यहाँ डिफरेंस दे रखा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, खर्चा चाहे नई मशीन हो चाहे पुरानी हो, इसमें नई मशीन पर, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, ठीक है ना? तो अगली वीडियो में हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।